पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध कड़ी निंदा करते हुए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने प्रदर्शन कर ममता सरकार के विरुद्ध कड़े से कड़े कदम उठाने की मांग करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए घटना को लेकर मध्य प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा ने ममता सरकार के विरुद्ध जमकर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही राज्यपाल को ज्ञापन सौंप ममता सरकार के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। इस दौरान महिला मोर्चा में शामिल बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिला उत्पीड़न की विडंबना अत्यंत खेदजनक एवं मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी दुर्भाग्य से महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आज 55 दिन हो गए और 55 दिनों में जो ममता बनर्जी का रवैया रहा है, माताओं बहनों के साथ जो अत्याचार हुए हैं, जिस तरीके से उनकी आबरू को लूटा गया है, जिस तरीके से उनके परिवारों को मानसिक तौर पर, जिस तरीके से उनके परिवारों को इमोशनल तौर पर टॉर्चर किया गया है, आज उसके खिलाफ मध्य प्रदेश की प्रत्येक नारी आक्रोशित होकर यहाँ पर आई है और गवर्नर महोदय को ज्ञापन दिया है कि इन अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। ममता बनर्जी जाग जाओ, वरना ईंट से ईंट बजा देंगे अगर महिलाओं के प्रति ये जो आपका रवैया है इसको आपने नहीं बदला और अपने गुंडों को संरक्षण देना बंद नहीं किया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।